नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के साइबर पुलिस थाने के ठीक सामने की दिखा रहे हैं। लगातार जो साइबर ठगी के जो मामले हैं लगातार सामने आते हैं। नए नए तरीकों से जो ठग हैं वो अपनी जालसाजी में लोगों को फंसाते हैं। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। यदि व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप अब ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पानीपत में अब एक ऐसा मामला सामने आया कि व्हाट्सएप के जरिए साइबर ठगों ने एक जालसाजी के तहत अपने ठगी का शिकार बनाया है। शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। नए नए तरीके से जो ठग हैं वो लोगों को अपने जालसाजी में फंसाकर उनसे पैसे ठगते हैं। अब एक मामला सामने आया है, जो पीड़ित है वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। पहले सर, क्या नाम है और क्या पूरा मामला? मेरा नाम शमी नारंग है और मैं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। मेरा फ़ोन हैक कर लिया गया। मेरे फ़ोन से ना तो कुछ हो रहा है, सिर्फ वही जो कर रहा है वही कर रहा है। ना कोई मैसेज हो रहा है, ना किसी से बात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और मेरे किसी रिलेटिव ने 52,000 रुपये उनके अकाउंट में गलती से कर दिए। अब वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या कोई कॉल आई थी आपके पास? हमारे पास कॉल नहीं आई सर, व्हाट्सअप कॉल से बात हो रही है, चैटिंग हो रही है। मेरा खुद का फ़ोन नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे नंबर पे मेरी मिसेज की मेरी फ़ोटो लगी है, DP लगा के वो मेरे सब रिलेटिव से, मेरे यार दोस्तों से सबसे पैसे की डिमांड कर रहा है। मेरे प्रोफाइल पे मेरी प्रोफाइल पिक पे पिक लगा रखी है, उसमें से जो है उन हमारे रिश्तेदारों से सबसे वो पैसे की डिमांड कर रहा है। और मेरा अनुरोध है कि कोई भी मेरा रिलेटिव या मेरा भी कोई दोस्त कोई भी इसको पैसे मतलब ना डाले। कोई बातचीत हुई हो कि आपके परिचित का कोई फ़ोन आया? कितने लोगों के पास उनके द्वारा फ़ोन किए गए हैं? मेरे कम से कम 100 रिलेटिव का फ़ोन मेरे पास आ चुका है कि ऐसे ऐसे आपने किसी से पैसे कोई इमरजेंसी आ गई है तो बताओ। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इस वजह से कोई बंदा जिसने हैंग किया है वही पैसे की डिमांड कर रहा है। मैंने किसी से कोई कुछ नहीं कहा, ना ही कोई ऐसा हुआ है। और सबसे अनुरोध करता हूँ कोई भी ऐसे चक्रों में ना आए और ना ही पैसे डाले। ऐसी क्या बातचीत हुई आपके साथ कि आपको जरा से भी भनक नहीं लगी है कोई ठग है आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है? बस पता ही नहीं लगा जी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। शाम को 5 बजे तक मेरा फ़ोन ठीक था, 5 बजे के बाद मेरे फ़ोन में ऐसे एकदम जस्ट हेलो लिखा हुआ आ रहा है और कुछ नहीं लिखा आ रहा। मतलब कुछ भी बात करना चाह रहा हूँ किसी से रिलेटिव से बात करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ जस्ट ये लिखा हेलो लिखा आ रहा है। और अब तक भी फ़ोन ऐसे कैसे है? फ़ोन अभी हैंग है आपका? फ़ोन अभी हैंग है सर, जैसे हेलो लिखा आ रहा था। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अभी तक हैंग पड़ा हुआ है। बताइए किस समय आपके पास मैसेज आया और जो दूसरे आपके जो परिचित हैं उनके पास किस समय लग रात के समय उनके द्वारा फोन? मेरे पास शाम को 7 बजे से फ़ोन आना शुरू हुए रिलेटिव के, भी ऐसी क्या इमरजेंसी होगी, क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा मेरी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं ठीक हूँ, कोई वो नहीं है। लेकिन भाई कौन बंदा फ़ोन कर रहा है किसी को पैसे डालने की, वो नहीं। किसी को आपने भी फोन किया, किसी जान को मैंने कोई पैसे ना दे? हाँ, मैंने अपने जितने भी जिनका भी फोन आया मैंने उनको सबको मना किया भी कोई भी मेरे नंबर से मेरे नाम से कोई पैसे मांगता है कोई पैसे ना डाले। तो ठग है, उन्होंने कोई अपना कोई रीजन बताया किसी आपके जानकार कोई को कहते हैं जी हाँ कहते हैं जी डिलीवरी केस है जी, इमरजेंसी है, सुबह 9 बजे पैसे वापस कर दूंगा, ऐसे ऐसे उनकी वो जी। चलिए तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम निखिल चावला है। आपके पास कैसे फोन है, कैसे पता? ये मेरे जीजू हैं, इनके नंबर है, इनके DP लगी थी उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ से मेरे पास मैसेज आए थे भैया मेरे को पैसों की जरूरत है, सुबह मैं आपको वापस लौटा दूंगा, मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। तो हमने जब बात करी क्या हुआ सब ठीक है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ढंग से। उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, बस मेरे को इमरजेंसी में पैसे चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए। तो हमने पूछा भाई आपको कितने चाहिए, उन्होंने हमें मुझे बोला भाई पहले हमारे 20,000 चाहिए। तो हमने जब उनको 20,000 रुपये गूगल पे करे तो फिर उन्होंने दोबारा बोला कि आप 2 मिनट रुको, मैं जरा डॉक्टर से बात करके बताता हूँ भाई, शायद मुझे और जरूरत हो सकती है पैसों की। हमने कोई बात नहीं, अगर सब ठीक है तो आप बताओ पहले। तो उन्होंने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया हमें। फिर उसके बाद 2 मिनट दोबारा बोलते हैं भाई 20,000 रुपये और चाहिए हमें। तो फिर हमने कोई बात नहीं 20,000 रुपये और किए। तो उस 20,000 करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि मैं आपको सुबह 9 बजे तक दोबारा वापस रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने यही बात 6-7 बार बोली हमें। तो हमें इस बात पर तो पहले विश्वास थोड़ा सा नहीं हो रहा था, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात। फिर 2 मिनट दोबारा मैसेज आते हैं कि थोड़े से कुछ और हो सकते हैं, मेरी जो गूगल पे की लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो आप जितने कर सकते हो आप देख लो। तो हमने बोला और कितने चाहिए, उन्होंने बोला 40,000 और चाहिए। तो हमने बात को खत्म करने के लिए ये बोला हमारी 12,000 की लिमिट है, 12,000 लास्ट रह गए, हम उतना कर सकते हैं, सुपर हम नहीं कर सकते। तो उस बात को खत्म करने के लिए हमने 12,000 रुपये और डाले उनके अकाउंट में। तो जैसे हमने 12,000 डाले तो हमारे मन में भी आया कि चलो एक बार बात तो करें, इतनी देर हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है इस बात को। तो बात करने में जब उनको बैक कॉल करी हमने तो उसी टाइम उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, वहाँ से ना हमारे व्हाट्सएप पर उनकी DP दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं शो हो रहा हमें। और जब नंबर ब्लॉक किया उसे हमने फिर किसी और दूसरे नंबर से अपने घर के नंबर से फोन वगैरह उनको कर रहे हैं, वहाँ से हर जगह ब्लॉक करी जा रहे हैं।
अब वो उससे बात भी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा। बीपी किस किस की थी व्हाट्सएप पे? मेरी जीजू की थी। हाँ जी, आपको यही लगा कि आपके जीजू आपसे जी मांग हमें लगा जीजू ही हमसे पैसे मारे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैसेज कर रहे बार हमें यही था बंदे को ज्यादा जरूरत है, नीडी है, तो इसलिए हमने उन्हें पे करना पड़ा। वो ऐसा भी तो कोई अलग से कोई कांटेक्ट नंबर दिया हो भाई इस पे पैसे कर दो या? मेरे पास सर पहले एक नंबर आया था, उस पे उन्होंने बोला भाई फोन पे करो, तो फोन पे करने की कोशिश करी तो फोन पे उस नंबर पे हुए नहीं, तो दोबारा हमने मैसेज किया उन्हें, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई इसी नंबर पे गूगल पे कर दो, तो उस नंबर पे गूगल पे हुआ था। फिर सेकंड टाइम उन्होंने दूसरा नंबर दिया था, भाई इसी नंबर पे आप गूगल पे करो, जब सेकंड टाइम 20,000 कर रहे थे, तो सेकंड टाइम जो दूसरा नंबर दिया फिर उसको 20,000 उन्होंने पे करे थे, फिर उसी नंबर पे जो सेकंड वाला नंबर था उसी हमने दोबारा 12,000 पे करे। तो कुल मिलाकर मेरे पास टोटल दो नंबर तो हुए हैं जिनमें मैंने पे किया, और एक नंबर हुआ है जिससे मेरा मैसेज आया है, ये सारे टोटल तीन नंबर है मेरे पास ऐसे। 52,000 रुपये आपने टोटल 52,000 पे गए हैं सर मेरे, 20,000 और 12,000। अभी शिकायत दिया था जी, रात को भी हमने 1930 नंबर पर शिकायत करी थी, और साइबर क्राइम सेल पे भी हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया, बाकी हम यहाँ से साइबर थाना में भी आगे कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सब आपका रजिस्टर हो चुका ऑलरेडी, वो सब हमारा रजिस्टर हो चुका है, तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपकी जो कंप्लेंट वगैरह वो सब रजिस्टर हो गया, तो आपके पास बैक कॉल आएगी, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं जैसे भी। अच्छा जी, तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी क्या कहना चाहोगे भाई, व्हाट्सएप पे भी अब लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे खुद के रिश्तेदारों के नंबर से ऐसा हुआ है। चलिए, तो सर आपके पास भी कॉल आई है? हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप चैट आया था लगभग 10:25-27 पे आया था जी। और हेलो आई हुई, मैंने सोचा भी मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोफाइल लगा हुआ था वो मेरे मित्र का लगा हुआ था जी। मैंने सोचा मैं भी कोई जानकारी होगी, मैंने पूछा भी हाँ क्या काम है, बोला जी बहुत इमरजेंसी है। मैंने कहा भी क्या इमरजेंसी? बोले कुछ पैसे चाहिए इमरजेंसी। मैंने कहा भी मेरे पास अभी तो नहीं है, बोला जी कहीं से अरेंज करा दो। मैंने कहा भी चलो हो सकता है अभी इमरजेंसी हो सकती है। मैंने किसी को फोन किया कि भी इतने कुछ पैसे चाहिए, बोले मिल जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कितना, उन्होंने लिख दिया 12,000 रुपये। तो मैंने उसको कहा भी रात को लगभग 10:45 की बात है कि भी 12,000 रुपये लेके मेरे पास आ जा, कोई बंदा आएगा उसको दूंगा। तो उसने अपना नंबर डाल दिया, विद इन सेकेंड उस नंबर को उसने डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा नंबर डाला, और नंबर डाला तो उसके बाद मैंने कहा भी ये नंबर क्यों डाला है, मैं तो आपको कैसे दे सकता हूँ? तो कहने नहीं मुझे तो गूगल पे या व्हाट्सएप वो क्या नाम है ऑनलाइन चाहिए। मैंने कहा ऑनलाइन मेरे पास कोई अकाउंट्स नहीं है, आप आ जाओ और ले जाओ। तो उसके बाद वो आध घंटा मेरी लाइन पर रहे, पर लेकिन क्योंकि फिर मैं समझ चुका था कि वो तो फ्रॉड है, किसी का नंबर वहाँ मित्र का नंबर हैक हुआ है, वो नंबर का मुझे नहीं पता था उनका भी क्या नंबर है। जिस नंबर से मेरे पास आया वो मैंने अपना जो इसकी स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, तो फिर ये मुझे लगा कि ये तो फ्रॉड है। फिर मैंने संपर्क करने की कोशिश करी मित्र के भाई से, उनका नंबर या तो स्विच ऑफ है या बिजी होगा, इस करके मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन मॉर्निंग में उनके पास मेरे पास फोन आया कि इस तरह से हम सब के पास इस ग्रुप में जितने ऐसे नंबर ये एक फोन हैंग हुआ है, और उससे ना चैट करके सबसे पैसे मांगे गए हैं। देखो जिससे उन्हें पैसे जिसने पैसे पैक करे वो तो बता रहे हैं 8:30 बजे की, मेरे पास तो 10:30 बजे आया जी। जो चैट आई जो मैं समझ चुका था क्योंकि ये साइबर क्राइम इस तरह से होते हैं, और ये जरूर वो बेचारे फंस चुके हैं। हो सकता है जैसे अब एक सामने आया है, मैं भी जो अगर फोन में 500 नंबर है, जैसे मेरे फोन में इसमें जिसमें 2,000 नंबर है मेरे नाम, तो कितनों के पास मैसेज गया होगा, कोई ना कोई तो इनके जाल में फंस जाता है। और ये आज पहली बार हम समझ रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए भी ऐसा काम हुआ है, क्योंकि फेसबुक के जरिए तो बहुत से नंबर क्यों हमारे फेसबुक में ऐड होते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, दूसरी कॉलें भी आती हैं, फ्रॉड कॉलें बहुत आती हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए भी ऐसा होने लगा, तो इस आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ चुका है। ये डिजिटल जो है, डिजिटलकरण जो किया गया है, ये डिजिटल है हमारे लिए, अगर गले की फांस होगा उधर से कोरोना फिर दोबारा आ रहा है, तो इस करके क्यों ज़्यादा लेन देन फिर डिजिटल होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मतलब मात्रा में है ना लोग इसमें फंसेंगे। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिस तरह की, या तो ये जो ऐप हैं सिस्टम है इनके ऊपर कोई ऐसा मतलब प्रतिबंध लगाया जाए कि भी इस तरह की कॉल ना हो पाए, लोग फ्रॉड से बचे। और आपके जरिए तो लूज है सर, ये डिजिटल इंडिया तो बना दिया लेकिन सिक्योरिटी पर कुछ खास काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़े आम बिल्कुल आसानी से जो है कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, मोबाइल ऐप को हैक कर लेते हैं, पूरे मोबाइल को ही हैक कर लेते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करिए, आप देखिए कोई भी ऐप, लाखों ऐप बन चुके हैं, उसमें जब तक आपको एक्सेस नहीं मिलता, जब तक आप अलाउ अलाउ पूरी चीज हर चीज यस नहीं करते, यस करने का मतलब है आपकी हर चीज
उस ऐप जिसने ऐप बनाया उसके पास आपका पूरा डाटा है और आप नहीं करते तो ऐप यूज नहीं कर सकते, इसलिए इस पर भी कुछ प्रतिबंध कुछ ऐसे होने चाहिए। आईटी सेक्टर को और आगे बड़ा काम करना चाहिए क्योंकि 5G नेटवर्क है, इतनी स्पीड से काम होगा, इस तरह से तो पूरे अकाउंट्स खाली हो जाएंगे, लोग पूरे मतलब जीवन भर की कमाई मिनटों में चली जाएगी लोगों की, और फिर उसके बाद ये फ्रॉड विदेशों में बैठ के होते हैं, अपने दूर दराज के प्रदेशों से होते हैं, क्यों साइबर क्राइम की जो पुलिस है वो भी कितना कर पाएगी, इसलिए इसके लिए भी कोई नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जाकि ये फ्रॉड फ्रॉड से लोग बच सके। साधारण लोगों को तो फिर ये किसी भी समय अपने जालसाजी में फंस सकते हैं। साधारण लोग ही ज्यादा फंसते हैं क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं कि हो सकता है कि मेरा मित्र कोई मुसीबत में फंसा होगा, और इस तरह से आप रोज देखते होगे किस तरह से अकाउंट्स खाली होते हैं, तो इसके लिए तो सरकार और इस विभाग को आगे आना पड़ेगा क्योंकि अब बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी डिजिटलाइजेशन हो रहा है अपने देश के अंदर, क्यों 130 करोड़ आबादी का देश है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कह रहे हैं कि अब 5वें नंबर पर हम डिजिटलाइजेशन उसमें हैं और आने वाले कल में हम पहले नंबर भी हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा को नेटवर्क सरकार को तैयार करना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो डिजिटल कहीं ना कहीं लोगों के साथ के लिए परेशानी भी खड़ा करता जाए। पीड़ित पक्ष को आपने सुना, 52,000 रुपए की ठगी हुई है, व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर इन्हें मैसेज किया गया, व्हाट्सएप सेटिंग की गई जिसके बाद अपनी जालसाजी में जो ठग है वो फंसाते हैं। तमाम लोगों से प्लीज वीडियो को देखे भी और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि